नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। बिहार में स्कूल कॉलेज को नहीं किया जाएगा बंद। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप पर आयोग ने लगाई रोक। आधार नंबर की तर्ज पर बिहार में जमीनों का होगा यूनिक नंबर। बिहार में बीते दिन शाम 4 बजे तक मिले कोरोना के 50 से अधिक मामले। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। आधार की तर्ज पर ही बिहार की जमीन का होगा अपना यूनिक नंबर। भूमि विवाद से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अब आधार नंबर की तरह ही राज्य की हर जमीन का अपना यूनिक नंबर होगा और इसे यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि ULPIN के नाम से जाना जाएगा। यह अल्पिन नंबर 14 डिजिट का होगा। इसके तहत हर एक प्लॉट को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह शब्द और अंक दोनों होंगे। आपको बता दें कि इस नंबर से जमीन की दाखिल खारिज में काफी सहायता मिलेगी। भू नक्शा सॉफ्टवेयर में जब इस अल्पिन को डाला जाएगा तो उस प्लॉट की चौहद्दी, रकबा, स्वामित्व, इतिहास सभी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जमीन विवाद के खत्म होने की संभावना रहेगी। बता दें कि बिहार देश का 7वां राज्य होगा जिसके पास जमीन का अपना अलग पहचान नंबर होगा। पंजाब राज्य स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSTCL ने निकाली रिक्तियां। PSTCL ने असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के कुल मिलाकर 150 पदों पर आवेदन की मांग की है। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ट्रेड में ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पंजाबी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 तक है। इच्छुक अभ्यर्थी PSTCL की आधिकारिक वेबसाइट PSTCL.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पंचायत चुनाव में पार्टी के झंडा और नाम का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई। बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के नाम या उसके झंडे और सिंबल के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में कोई उम्मीदवार अगर राजनीतिक पार्टी के नाम या फिर सिंबल की आड़ में चुनाव प्रचार करते हुए पाए जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने साफ किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। ये नियम आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव खत्म होने तक लागू रहेंगे। वहीं इस नए गाइडलाइन से भाजपा और जदयू को झटका लगा है क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार की है, मगर अब पार्टी द्वारा खुलेआम समर्थन करने पर रोक लग गई है। राज्य के स्कूल कॉलेज नहीं होंगे बंद। देश भर में कोरोना मामले में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही लोग लॉकडाउन होने और स्कूल कॉलेज फिर से बंद किए जाने के सवालों से असमंजस में हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया है कि राज्य में फिलहाल स्कूल कॉलेज को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। CM ने कहा कि कोरोना को लेकर हम लोग सचेत हैं। बिहार में अभी स्थिति गंभीर नहीं है। राज्य में कोरोना के 20 से लेकर 48 तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज रोज मिल रहे हैं। इस दौरान बाहर से वाले लोगों पर नजर रखने की बात कही गई। इसके साथ ही कोरोना जांच की संख्या को भी बढ़ाने की बात कही गई। प्रतिदिन 70,000 जांच करने और RT-PCR से अधिक जांच करने की बात कही गई है। कोरोना के रोकथाम को लेकर पटना में बनाए गए कंट्रोल रूम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना जिले में एक बार फिर से कंट्रोल रूम को चालू कर दिया गया है। यहाँ पर 5 डॉक्टरों की शिफ्ट में तैनाती की गई है जबकि 9 कर्मचारी कार्यरत है। होली पर बाहर से आने वाले लोगों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इसके लिए 3 लैंडलाइन नंबर के साथ एक टोल फ्री नंबर को भी जारी किया गया है। जो नंबर जारी किए गए हैं उनमें 0612219090, 2219055, 224996 के अलावे एक टोल फ्री नंबर 18223456019 को जारी किया गया है। इसके तहत संक्रमितों के लिए एम्बुलेंस की जानकारी, आइसोलेशन सेंटर व मरीजों की भर्ती को कराने संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावे इस कंट्रोल रूम का काम सैनिटाइजेशन और जांच करवाना, मर्चरी वैन और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना भी होगा। मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन 24 मार्च तक होगा पूरा। बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन का काम कई केंद्रों पर पूरा हो गया है, जिसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसके तहत हर हाल में मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 24 मार्च तक पूरा करने की बात कही गई है। इसके लिए जिन परीक्षकों ने इंटर की कॉपी को जांच कर लिया है उन्हें जरूरत पड़ने पर मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन में योगदान देना होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इंटर मूल्यांकन के लिए 5 मार्च से 15 मार्च तक का समय निर्धारित किया था। वहीं मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन 12 मार्च से शुरू किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड अगले महीने अप्रैल में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट देने पर भी विचार कर रहा है।
राज्य के नियोजित शिक्षक बन सकेंगे लेक्चरर। सूबे बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अर्हता रखने वाले नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डायट पीटीईसी या फिर बाइट में लेक्चरर बन सकेंगे। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 2 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2016 में सरकारी शिक्षक ट्रेनिंग संस्थानों में लेक्चरर की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। शिक्षा विभाग ने सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन को प्रकाशित किया था। इसके लिए बिहार सरकार ने विद्यालयों में न्यूनतम 3 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद 2018 में लिखित परीक्षा भी ली गई थी, मगर लिखित परीक्षा के उपरांत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने नियोजित शिक्षकों को इस दायरे से बाहर करते हुए परिणाम को घोषित करने को कहा था, मगर कोर्ट ने इस आदेश को अब खारिज कर दिया है। बिहार में कोरोना के मिले 50 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 58 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 17 और वैशाली और मुजफ्फरपुर में 3-3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.27% दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो यह 2,61,240 रहा है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 363 रह गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने लॉन्च किया एक खास ऐप। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा एक खास तरह का ऐप किसानों और व्यापारियों के लिए डेवलप किया गया है, जिसके तहत www.fois.indianrail.gov.in ऐप पोर्टल के माध्यम से इच्छुक माल ग्राहक का पंजीकरण कराया जा रहा है, जिससे किसानों और व्यापारियों को विशेष सुविधाओं का लाभ दिया जा सकेगा। इसके तहत माल ढुलाई के इच्छुक ग्राहक पोर्टल के माध्यम से गाड़ी के रूट या फिर जहां माल पहुंचाना है वहां की दूरी, माल ढुलाई का भाड़ा आदि देख सकते हैं। साथ ही पहले की अपेक्षा माल गाड़ी की स्पीड को भी अब बढ़ा दिया गया है, जिससे कि सामान ज्यादा खराब होने की समस्या नहीं रहेगी। व्यापारी किसान इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका सामान कहां और किस लोकेशन पर जा रहा है। बिहार दिवस पर नहीं होगा किसी तरह का कार्यक्रम। राज्य में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और इसे लेकर सरकार सभी जगह एहतियात बरत रही है। इसके तहत 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य में किसी भी तरह का समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। हर साल इस मौके पर पटना में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक 22 मार्च को 11 बजे सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यवासियों को संबोधित करेंगे। वहीं इस दिन सिर्फ हर जिला में समाहरणालय पर ही कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने एक पत्र लिखकर सभी डीएम को कार्यक्रम से संबंधित निर्देश दिए हैं। जमीन का दाखिल खारिज समय पर नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। राज्य में जमीन की दाखिल खारिज समय पर नहीं करने वाले अधिकारियों पर अब विभाग द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि अब तक म्यूटेशन के 46 लाख आवेदन आए हैं, इनमें से 77% आवेदन को निपटा लिया गया है। सरकार जल्द ही सभी आवेदनों को निपटाने की तैयारी में है। विभाग ऐसे नियम बना रहा है कि समय से आवेदन का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके, इसे लेकर नियम कानून तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इस पर नियंत्रण लाया जाएगा और लोगों की जमीन का दाखिल खारिज समय पर हो सकेगा। महंगाई और अपराध के मुद्दे पर राजद विधायकों ने किया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में बजट सेशन के दौरान सरकार के द्वारा लिए गए कई फैसलों के विरोध में विपक्ष आवाज उठाते रहे हैं। वहीं इस दौरान आज विधानसभा के मुख्य द्वार पर आरजेडी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और महंगाई व अपराध के मुद्दे पर सरकार विरोधी नारे लगाए। दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों से इथेनॉल बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में माले विधायकों ने भी जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधायकों का कहना है कि सरकार रोजगार के मुद्दे को भटकाना चाहती है और राज्य में बढ़ रहे अपराध बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सदन में बोलने से बच रही है। पटना पुलिस अब जल्द ही चलाएगी ऑपरेशन होम डिलीवरी। पटना पुलिस ने शराबबंदी के बावजूद बेचे जा रहे शराब पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत ही पटना पुलिस ने ऑपरेशन होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय से बीएमपी की 5 कंपनियां मांगी गई है। इसमें कुल 300 जवान होंगे। इसकी मदद से ही पटना के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक एक कर सभी मुसहरी इलाकों को भी खंगालने का काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार होली को लेकर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास शिकायतें भी लगातार आ रही थी। यही कारण है कि क्विक मोबाइल के जवानों को भी बदलने का काम किया गया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंचा भारत। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स ने कप्तान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की विस्फोटक पारी और अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 12 रनों से हराकर फाइनल
फाइनल में जगह बना लिया। अब फाइनल में इंडिया लीजेंड्स का मुकाबला श्रीलंका लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के बीच होने वाले मैच के विजेता के साथ होगा। बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को श्रीलंका लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला रविवार यानी 21 मार्च को खेला जाएगा। फिल्म राधे के पोस्टर पर ट्रोल हुए सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्टर रिलीज होने के साथ ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने राधे के पोस्टर को कॉपी बताया और सलमान खान को खूब ट्रोल किया। इसके साथ ही अब कमाल आर खान का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है। KRK ने एक पोस्टर की तस्वीर को डालते हुए ट्वीट कर लिखा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की राधे कोरियन फिल्म आउटलॉज की रीमेक है और अब फिल्म का पोस्टर भी कॉपीड है, कुछ तो ओरिजिनल करो यार। बता दें कि सलमान की ये फिल्म 13 मई को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दिखेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों से दूर रखने के चुनाव आयोग के फैसले से आप कितना सहमत है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।